औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोज़े सामियुक राम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएँ। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात का हल फरमाएँ। आमीन। आज का हमारा मौजू है ख्वाब में तैरने के हवाले से, पानी में तैरने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएगी। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ख्वाब में अपने आप को पानी में तैरता हुआ देखना दुनिया का माल इकट्ठा करने की अलामत है, और अगर जद्दोजहद, कोशिश और मेहनत से अपने आप को तैरता हुआ देखता है तो मुश्किल के साथ माल हाथ में आने की दलील है। ख्वाब में तैरते हुए पानी में गिर जाना, मुश्किलात का सामना करना, मुसीबत में फंसने की अलामत है, और अगर आसानी से किनारे पर पहुंच जाने में कामयाब हो जाता है तो यह कामयाबी की अलामत है। ख्वाब में खुश्की में तैरते हुए देखना, कैद होना, कैद की तंगी की अलामत है और दलील है। ख्वाब में अपने आप को दरिया में तैरते हुए देखना, हाकम पर गालब आए, मुश्किल हल होने, कामयाबी और फतह की अलामत है। ख्वाब में समुंदर में अपने आप को तैरते हुए देखना, शहनशाह वक़्त से ओहदा पाए, खलीलो कदर हुए, जलीलो कदर हुए और मुमताज़ होने की अलामत और दलील है। ख्वाब में किसी और को पानी में तैरते हुए देखना, ये भी खैर बेहतरी की अलामत है और दलील है। मौज़े सामीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सदका समझकर, सदका जारिया समझकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह मियाँ आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन। अल्लाह मियाँ आपके हामी नासिर हों। जज़ाकअल्लाह।